बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। हम भी खुश हैं, अल्लाह ताला हमें भी खुश रखे। आप लोगों को, आप लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल और खिदमत करनी चाहिए, उनकी ईमानदारी में लगे रहना चाहिए, बच्चों से मोहब्बत और प्यार से शफ़क़त से पेश आना चाहिए। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपको क्रोचिट के बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर दिखा रही हूँ, जो कि नहायत ही हसीन और खूबसूरत बनाए गए हैं क्रोशिया वर्क से। आपको अगर बनाने आते हैं तो कोई मुजायका नहीं, आप खुद बना सकती हैं। ये आप बेबी के फ्रॉक पर लगा सकती हैं, बॉडी पर लगा सकती हैं, आप ट्राउज़र के पाँचों के पर लाइन लगा कर बॉर्डर बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत नहायत ही हसीन है। आपको तमाम फ्लावर एक से एक काला कलर के और खूबसूरत मिलेंगे। आपको क्रोशिया का काम अगर आता है तो आप खुद भी बना सकती हैं। देखें, तीन कलर में फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसी तरीके से बनाकर माहिर हो जाएं, ताकि आप अपने ससुराल जाएं तो आपके ससुराल वाले नंदे सास खुश हों कि हमारी बहू आई है, बहुत प्यारे काम करती है, हुनर बहुत अच्छा। जिसके हाथ में हुनर होता है उसकी हर बंदा तारीफ़ करता है, जिसके हाथ में हुनर नहीं होता कोई तारीफ़ नहीं करता। कोई कोई तो अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, हुनर को इस्तेमाल ही नहीं करती, हुनर को ज़ाया करके कूड़े में कचरे में डाल देती है। हुनर को इस्तेमाल करना भी किसी किसी को आता है, हर किसी को नहीं आता। आपको अपना हुनर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, गुलाब का फूल बनाया है क्रोशिया वर्क से, बहुत प्यारा। अगर आपको हमारी वॉइस और हमारे फ्लावर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारे फ्लावर कैसे लगे। हमेशा अपने काम को अरूज पे लेके जाना औरत का काम है। औरत चाहे तो आसमान पे बिठा दे, औरत चाहे तो ज़मीन पे गिरा दे, सब काम औरत का होता है। औरत अपने खामिंद को चाहे बादशाह बना दे, चाहे वो फकीर बना दे, इज्जत करना औरत का काम है। मर्द का, मर्द तो वो ऐसे होते हैं कि उन्हें तो कमा के लाना है, घर में आए हैं तो घर में वाले अगर उनको इज्जत देंगे तो वो भी इज्जत देंगे, अगर वो इज्जत नहीं देंगे तो घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी। आप तमाम बहनों से अपील है कि आप भी अपने घर को खुश इखलाकी के साथ वक्त पास करें। अच्छा वक्त गुजारना बहुत अच्छी बात है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा, कोई पता नहीं किसी का मौत ज़िंदगी किसके हाथ में एक पल में आ जाती है। आज एक सलाम फिरे तो दूसरे की उम्मीद नहीं। आप हमेशा एक दूसरे के साथ इखलाक और मोहब्बत से पेश आना, ताकि आपके जाने के बाद हर बंदा आपको याद करे कि फलां बंदा मेरा इतना ख्याल ख्वाह था, मुझसे हंस कर बोलता था, मुस्करा कर बोलता था, कितना अच्छा, ताकि आपकी तारीफों के चर्चे। ज़िंदगी में क्या चर्चे, मौत के बाद को कोई याद करे, कोई किसी गिफ्ट से याद करे, किसी उसकी अच्छी बात से याद करे, या अच्छी उसने दुआ बताई उससे याद करे। देखो, आप लोग भी हमें याद करें तो अल्लाह